नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के विश्वविद्यालयों में जल्द होगी प्रधानाध्यापकों की बहाली। आईटीआई पास युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर। राजेंद्र नगर, सहरसा इंटरसिटी और गरीब रथ एक्सप्रेस में लगेंगे अतिरिक्त कोच। पवन सिंह कल से करेंगे रोड शो। आईपीएल 2024 में केकेआर ने आरसीबी को 1 रन से दी मात। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के विश्वविद्यालयों में जल्द होगी प्रधानाध्यापकों की बहाली। बिहार के अलग अलग 13 विश्वविद्यालयों में सहायक प्रधानाध्यापकों की बहाली का रास्ता साफ हो चुका है लीगल ओपिनियन के बाद। अब बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा मई से साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसके अंतर्गत लंबित परिणाम वाले विषयों में कुछ और अभ्यर्थियों को साक्षात्कार का मौका दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार के विश्वविद्यालयों में 4108 खाली पदों पर बहाली होने जा रही है। BSUSC के द्वारा साक्षात्कार की तैयारी शुरू हो चुकी है। जानकारी के अनुसार मई से इंटरव्यू की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। राजेंद्र नगर, सहरसा इंटरसिटी और गरीब रथ एक्सप्रेस में लगेंगे अतिरिक्त कोच। गर्मियों की छुट्टियों के साथ अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए राजेंद्र नगर, सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला लिया है। राजेंद्र नगर टर्मिनल सहरसा राजेंद्र नगर टर्मिनल इंटरसिटी एक्सप्रेस में आज से अस्थायी तौर पर चेयर कार का एक अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा और इसके बाद ये ट्रेन 21 LHB कोच से चलेगी। गाड़ी संख्या 1-2-2-0-3 और 1-2-2-0-4 सहरसा अमृतसर सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी का एक अतिरिक्त कोच लगाया जा रहा है। ये सुविधा आज से 30 जून तक रहेगी। बिहार में 13,000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन होगा निर्धारित। बिहार में संस्कृत स्कूल और मदरसों में काम करने वाले 13,000 शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन निर्धारित किया जाएगा। इसमें 1,659 अनुदानित संस्कृत स्कूल और मदरसों के शिक्षक और कर्मचारी शामिल है। लोकसभा चुनाव के बाद शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षकों को पंचम और अष्टम वेतन पुनरीक्षण के अनुरूप वेतन के निर्धारण का फैसला लिया है और इसके बाद 531 मदरसों के शिक्षकों और कर्मियों को सीधा फायदा मिलेगा। अनुदानित संस्कृत स्कूल और मदरसों से उनके शिक्षकों और कर्मचारियों से संबंधित अभिलेख मांगे गए हैं। आईटीआई पास युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका। बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य के आरा में बड़े स्तर पर आईटीआई छात्रों के लिए रोजगार मेले का आयोजन होने वाला है। आईटीआई के सभी ट्रेड के उम्मीदवार इसका हिस्सा बन सकते हैं। 25 अप्रैल को औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र धनपुरा में जॉब कैंप लगाया जा रहा है और इसमें 100 आईटीआई अभ्यर्थियों को चुना जाएगा। आपको बता दें कि चयन के बाद अभ्यर्थियों को उनके पद के बारे में जानकारी दी जाएगी। बिहार सरकार के जिला नियोजनालय कार्यालय के द्वारा जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि नौकरी मिलने वाले अभ्यर्थियों को 12,000 से 16,000 की सैलरी मिलेगी। 18 से 21 साल के पुरुष और महिला आईटीआई या डिप्लोमा पास अभ्यर्थी को रोजगार का मौका दिया जाएगा। नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपने साथ रिज्यूम, सभी सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ को लेकर आना अनिवार्य है। श्रमजीवी एक्सप्रेस से शराब की 100 से अधिक बोतल के साथ तस्कर की हुई गिरफ्तारी। श्रमजीवी एक्सप्रेस की जनरल बोगी से शराब की 124 बोतल के साथ रेल पुलिस ने एक तस्कर की गिरफ्तारी की है। बताया जाता है कि शराब तस्कर पटना के बख्तियारपुर थाना इलाके के वार्ड नंबर 19 का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ रेल थाने में मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि ट्रेन में रेल पुलिस ने चेकिंग के दौरान ये गिरफ्तारी की है। आरोपी ने पुलिस को जानकारी दी है कि वो शराब की बोतलों को लेकर उत्तर प्रदेश से बिहार आ रहा था। रेल पुलिस ने फिलहाल आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया और उसे जेल भेज दिया है। बिहार में 4 फर्जी शिक्षकों को किया गया बर्खास्त। बिहार में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने वाले 4 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 4 फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त किया गया। ये फर्जी शिक्षक STT, CTT, BTT प्रमाण पत्र के आधार पर कई सालों से नौकरी कर रहे थे और साथ ही ये स्कूलों में बच्चों को पढ़ा भी रहे थे, लेकिन सक्षमता परीक्षा के बाद विभागीय जांच में इनके फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया, साथ ही इन्हें बर्खास्त किया गया है। आपको बता दें कि चारों फर्जी शिक्षक के STT, CTT और BTET के प्रमाण पत्र पर रोल नंबर फर्जी पाए गए और इसके बाद विभाग के द्वारा इन्हें बर्खास्त किया गया है और इनसे सरकारी राशि की वसूली की जाएगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा भागलपुर में करेगी रोड शो।
भागलपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत शर्मा के लिए उनकी बेटी और बॉलीवुड की एक्ट्रेस नेहा शर्मा रोड शो करने जा रही है और लोगों से वोट अपील करेगी। कांग्रेस के उम्मीदवार अजीत शर्मा ने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी साझा की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भागलपुर की बेटी बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा आज भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के पीर पैंती और कहलगांव में रोड शो करने वाली और यहां के जनता से सीधा संवाद करेगी। अजीत शर्मा ने लोगों से अपील की है कि वो भारी संख्या में पहुंचकर रोड शो को सफल बनाएं। मालूम हो कि अभिनेत्री नेहा शर्मा पहले भी अपने पिता के लिए रोड शो कर चुकी है। उन्होंने साल 2020 के विधानसभा चुनाव में रोड शो किया था। लालू यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए करेंगे वोट अपील। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी और सारण से लोकसभा प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के लिए लोगों से वोट अपील करेंगे। लालू यादव रोहिणी आचार्य के लिए जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं और इससे पहले उन्होंने अपनी खराब सेहत के बावजूद छपरा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और सभी को जीत का मंत्र दिया है। इसके बाद अब लालू प्रसाद यादव के जनसंपर्क अभियान में शामिल होने की बात कही जा रही है। इधर रोहिणी आचार्य ने सदर प्रखंड के दर्जनों गांवों में रोड शो किया है। इस रोड शो में सुनील राय, कृष्णा राम, गोपाल महतो, डॉक्टर नीलू कुमारी आदि मौजूद रहे। जदयू ने तेजस्वी यादव पर किया पलटवार। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। दरअसल बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सत्तू पीने की सलाह दी और कहा था कि इससे दिमाग ठंडा और शांत रहता है। इस पर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा है कि जल्द ही तेजस्वी यादव को उनके पिता लालू प्रसाद यादव की तरह जेल में सत्तू पीने का अनुभव मिल सकता है। नीरज कुमार ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है, तेजस्वी यादव भी जल्द उनके साथ जेल में होंगे। नीरज कुमार ने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई तेजस्वी यादव के खिलाफ जांच कर रही है। संभावना है कि उन्हें लालू प्रसाद यादव की तर्ज पर जेल में सत्तू पीना होगा। पवन सिंह कल से करेंगे रोड शो। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह कल से अपने रोड शो के कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह ने इससे पहले औरंगाबाद के देव में सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि इस लोकसभा क्षेत्र में 13 मई से नामांकन की शुरुआत होगी और इससे पहले पवन सिंह ने अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत की है। मालूम हो कि भाजपा ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन इन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना किया था और उसके बाद अब रोहतास के काराकाट संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज में मुस्लिम महिलाओं के लिए की ये मांग। AIAIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज में मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हमारा मानना है कि आजादी के बाद देश में 17 बार लोकसभा के चुनाव हुए, लेकिन सांसद बनने वाली मुस्लिम महिलाओं की संख्या मात्र 20 रही है, इसलिए मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। इस दौरान ओवैसी ने भाजपा पर राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों और पिछड़ा वर्गों को मिलाकर कुल आबादी का लगभग 65% हिस्सा है, इसमें विशाल सामाजिक वर्ग की महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का आने वाले चुनाव में हस्तन बहुत खराब होने वाला है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने ऐसा कौन सा काम किया है कि इनका भविष्य अच्छा होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव को कोई नौकरी नहीं देगा, सीएम के लड़के होकर भी ये 10वीं पास नहीं है। मौजूदा हालात में बिहार की राजनीति में देखें तो धर्म और जाति में बांटकर आज बिहार के लोगों ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बना रखा है। आज यही समाज की गलती है और समाज की दुर्दशा खराब है। चिराग पासवान ने आरजेडी और कांग्रेस पर बोला हमला। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला है। दरअसल रांची में इंडिया गठबंधन की रैली में कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। इसे लेकर चिराग पासवान ने कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है और ये इसका सिर्फ एक उदाहरण देखने को मिला है। चिराग पासवान ने कहा है कि ये झड़प प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिली है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनकी झड़प लगातार होती रही है। पहले चरण के चुनाव में घटक दलों से बात किए बिना ही सीटों का बंटवारा कर दिया गया था, उम्मीदवारों के बीच सिंबल बांट दिया गया। ये अपने आप में दिखाता है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। सीपीआई ने चुनाव आयोग से की गिरिराज सिंह की शिकायत। सीपीआई ने चुनाव आयोग से गिरिराज सिंह की शिकायत की है। दरअसल गिरिराज सिंह ने पाकिस्तान परस्त और देशद्रोही का वोट नहीं लेने से संबंधित एक बयान दिया था और इस पर सीपीआई ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा और गिरिराज सिंह के द्वारा मतदाताओं को देशद्रोही और पाकिस्तान परस्त बताने वाले बयान पर कार्रवाई की मांग की है। सीपीआई के नेता शत्रुघ्न प्रसाद ने चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है
कि गिरिराज सिंह के बयान से तनाव की स्थिति पैदा हुई है। गिरिराज सिंह के द्वारा दहशत फैलाने की कार्रवाई की गई है, यह आचार संहिता का उल्लंघन है। आईपीएल 2024 में केकेआर और आरसीबी के बीच 36वां मैच खेला गया। इसमें केकेआर ने आरसीबी के 1 रन से हरा दिया और आखिरी ओवर में करण शर्मा ने मिचेल स्टार्क के खिलाफ 3 छक्के जड़े, लेकिन आखिरी गेंद पर स्टार्क को उन्होंने अपना कैच थमा दिया। इस तरह आरसीबी मौजूदा सीजन में अपनी दूसरी जीत नहीं दर्ज कर सकी। आईपीएल के मौजूदा सीजन में 7वीं बार हार के बाद विराट कोहली निराश नजर आए। आरसीबी का अब प्लेऑफ में पहुंचने का रास्ता मुश्किल नजर आ रहा है। आपको बता दें कि केकेआर ने आरसीबी को 223 रन का टारगेट दिया, लेकिन टीम द्वारा 221 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। आपके अनुसार आरसीबी के टीम की केकेआर से हार की क्या वजह हो सकती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर दें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजकिशोर महतो, रवि कुमार राम, राजेश मांझी, रंजीत कुमार, राकेश मिश्रा, सदुल्ला पालवी, राजेश मेहरा, मोहम्मद शकीर हुसैन, मंटू कुमार, उमेश ऋषिदेव, अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, ट्रेन के सफर में आपके लिए सबसे सुखद अनुभव क्या होता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर दें। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।